टाइगर श्रॉफ जो कि अब तक काफी सारी एक्शन फिल्म्स कर चुके हैं, जिसके अंदर यहाँ पर अब बागी 3 भी ऐड हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि बागी 3 उसके अंदर जो टाइगर श्रॉफ ने एक्शन किया है उसकी सभी ने तारीफें की है और ये मूवी भी काफी ज्यादा लाजवाब है, सभी को काफी ज्यादा पसंद आई है ये मूवी। यहाँ पर एक्शन की बात करें और एक्टिंग की बात करें तो सभी लाजवाब है। अब आपको बताएं दोस्तों कि यहाँ पर पहले दिन तो इस मूवी ने यानी कि बागी 3 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अंदर 17.5 करोड़ रुपए जोड़ लिए हैं, लेकिन अब दूसरे दिन यानी कि सैटरडे को इसकी कमाई काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। जी दोस्तों, काफ़ी अच्छा उछाल आज हमें बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलने वाला है बागी 3 के अंदर। जो सूखा अभी तक चल रहा है बॉक्स ऑफिस पर, अब बागी 3 उसे मिटाने आ चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि आज का जो इसका कलेक्शन है वो लगभग 20 करोड़ तक जाने वाला है और इस बार ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे टाइगर श्रॉफ कितना बड़ा रिकॉर्ड बना पाते हैं, क्योंकि इनकी पहली जो फिल्में हैं वो कई बार 100 करोड़ जा चुकी है। लेकिन अब आपको बता दें दोस्तों कि लगता है कि ये फिल्म भी 150 करोड़ के आंकड़े को छू पाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंदर आप लोगों को एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की जोड़ी नज़र आने वाली है। हालांकि यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, इस फिल्म के अंदर ज़्यादा एक्शन है और साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। दोस्तों अब जिस तरीके से ये बागी 3 आगे बढ़ती जा रही है, लगता है कि ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन आगे आने वाले दिनों में भी करने वाली है। इससे पहले जो टाइगर श्रॉफ की मूवी आई थी यानी कि वॉर और बागी 2, इन दोनों ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया था और एक एक्शन स्टार के तौर पर टाइगर श्रॉफ को यहाँ पर जगह दी थी। दोस्तों अब आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं बागी 3 को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने भी ये मूवी देखी है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही बॉलीवुड के हर अपडेट सबसे पहले।